ग्वालियर चंबल की जमीन जाति उबार की वह परंपरा का जमीन है जहां बिरादरी के समर्थन का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। और यहां पर समर्थन को लेकर अगर भ्रम है तो सत्ता पाने के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। दरअसल उपचुनावों में बसपा के अकेले ताल ठोकने की घोषणा के बाद पासा पलटा है और कांग्रेस और बसपा के बीच अघोषित समर्थन की खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी में कमलनाथ के उस सर्वे का बड़ा योगदान है जिसमें कांग्रेस की निर्णायक बढ़त बताई जा रही है। यह भी दिलचस्प है कि एक एजेंसी से यह सर्वे तो करवा लिया गया लेकिन जमीनी हकीकत जानने की जरूरत दिग्गजों ने नहीं समझी। वास्तव में 2018 के विधानसभा चुनाव और 2020 में होने वाले उपचुनावों में जमीन आसमान का फर्क है। इन विधानसभा चुनावों में भाजपा के हराने का प्रमुख कारण शिवराज सिंह चौहान के माई के लाल की ललकार थी। वही अनुसूचित जाति के लोग ही भाजपा से नाराज थे। उपचुनावों में ऐसा कोई भी समीकरण या स्थिति नहीं है जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। जहां तक कांग्रेस की सरकार को गिराने को लेकर मतदाताओं में नाराजगी का सवाल है तो उसका फायदा अच्छे उम्मीदवार देकर हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर रहने वाली कांग्रेस के लिए ज्योतिराव सिंधिया के बाद जमीनी हकीकत बदल गई है। इस संभाग में अनुसूचित पार्टी का करीब 30% वोट तो है लेकिन वह कांग्रेस को कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। भारत के दलों में भाजपा और बसपा कैडर पर आधारित पार्टियां हैं और इनका तयशुदा वोटर इनसे कभी दूर नहीं होता। कांग्रेस से भाजपा में आए प्रत्याशी अपने साथ समर्थकों को लेकर आए हैं और इसका 5,000 मतों का फर्क भी निर्णायक हो सकता है। मतलब भाजपा का तय वोट घटेगा ये सोचना कोरा ज्ञान साबित हो सकता है, बल्कि भाजपा का वोट बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। अब यदि कांग्रेस ये सोचती है कि वह बसपा से अघोषित समझौता करके भाजपा को धोखा दे सकती है तो ये धोखा कांग्रेस को खुद पर भारी पड़ सकता है। फूल सिंह बरैया के बूते कांग्रेस की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिशें भी आत्मघाती हैं, क्योंकि बरैया चाहे बसपा, समता दल या बहुजन संघर्ष दल में रहे हों, उनकी राजनीति और लोकप्रियता विशेष समुदाय तक केंद्रित रही है। ऐसे में यदि उन्हें कांग्रेस का चेहरा बनाया जाता है तो अगड़े पिछड़े नाराज हो सकते हैं। इस इलाके में ब्राह्मण, धाकड़, क्षेत्रीय व कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट काफ़ी प्रभावशाली है। कांग्रेस का वोट सभी समुदायों से आता है और उन्हीं के बूते कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनावों में निर्णायक बढ़त ले सकी थी। फूल सिंह बरैया के आक्रामक राजनीति में अन्य समुदाय उनके आसपास भी आना पसंद नहीं करते थे। अब अचानक सभी उन पर प्यार के साथ वोट बरसा दें ऐसी कोई संभावना नहीं है, बल्कि लोगों का गुस्सा कांग्रेस पर फूट पड़े इसकी आशंका ज़्यादा बनी रहेगी। ग्वालियर चंबल के इलाके में मध्य प्रदेश की कुल 9% आबादी रहती है। विधि के बाद आबादी में स्वर्णों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी इलाके में है। इस इलाके में 28% स्वर्ण, 32% ओबीसी, 29% SC/ST और 11% अन्य लोगों की आबादी है। गुजर, कुशवाहा, बेगल, ब्राह्मण और वैश्य वोट यहाँ अच्छी तादाद में है और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। उपचुनावों से पहले फूल सिंह बरैया को लेकर कांग्रेस में भी हलचल है और इस इलाके के स्थानीय नेता स्वीकार करते हैं कि बरैया के चुनाव लड़ने से ग्वालियर चंबल के अनुसूचित जाति के मतदाताओं के वोट का लाभ तो कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन यह भी आशंका है कि बरैया को चुनाव मैदान में उतारा गया तो वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और अनुसूचित जाति के अलावा दूसरा वोट कांग्रेस से अलग हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा का प्रभाव तो है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत और बसपा का कई स्थानों पर दूसरे स्थान पर रहने का कारण मतदाताओं के सामने राजनीतिक दल की स्थिति को लेकर स्पष्टता थी। इस कारण कांग्रेस को अगड़े पिछड़े और दलितों का वोट मिला था, जो कि भाजपा कई स्थानों पर तीसरे पायदान पर रही थी। यदि उपचुनावों में कांग्रेस और बसपा के बीच कोई अघोषित समझौता होता है
तो इससे बसपा का परंपरागत वोट असमंजस में होगा और आम मतदाता भाजपा के साथ जाना ज्यादा पसंद करेगा। यह ज्योतिराव सिंधिया के लिए संजीवनी की तरह होगा। बहरहाल कांग्रेस को यह तो बसपा से समर्थन की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो उपचुनावों में अकेले रहना चाहिए। यदि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का असमंजस रखा तो यकीन मानिए कांग्रेस 4 या 5 सीटें भी जीत ले तो यह भी उसकी उपलब्धि होगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़। धन्यवाद।